आज हम क्लास फोर का मैथ में एक्सरसाइज 4.2 बताने जा रहे हैं। इसमें जो है बस मल्टीप्लाई जो है कैसे किया जाता है, जब जीरो वाला संख्या आपके सामने दिया हुआ रहे तो इसे हम लोग सीखेंगे और आगे आप बनाइएगा, आपको बस सिखाना मेरा काम है। देखिए यहाँ पे इसमें जो है मल्टीप्लाई करना है 7 से इस टोटल संख्या में करना है, और यहाँ पे 500 से इसमें करना है। यहाँ पे हम लोग इधर से गुणा करते हैं, इसे जो है हम लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं या ऐसे देखें हम लोग, ये 7 7 जा 49 कैरी हमको मिलेगा 4, फिर आगे बढ़ेंगे 7 1 जा 7 और इसमें का जो है 4 हो जाएगा 11 11 में 1 लिखेंगे, फिर 1 जो है कैरी हो जाएगा, फिर 7 3 जा 21 21 का फिर लिखाएगा 1, लेकिन इसमें का एक और कैरी आगे भागेगा बढ़ेगा तो हो जाएगा 2 22, फिर कैरी हमारे पास 2 रहेगा, 7 4 जा 28 और इधर का 2 हो जाएगा 30, यही हमारा जो है आंसर होगा। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमको इस तरह का ज़्यादा जो है दिया हुआ है कि जीरो वाले संख्या को यदि जीरो रहे तो उसको जो है कैसे गुणा करते हैं, ये तो बस इसमें एक छुट्टी दिया था ऐसे ही ये देखेंगे। इस तरह के गुणा को करने के लिए अगर जो मल्टीप्लायर है यानी जो गुणा है जिससे गुणा करना है हमको, गुणक जो है इसमें अगर 2 जीरो है, 3 जीरो है, 5 जीरो है, 1 जीरो है, उसको पहले उतार लेते हैं। इसमें देख रहे हैं कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो इधर दाहिने तरफ से उतार लेंगे और उसके बाद जो है इसमें जो है मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेंगे कैरी आगे बढ़ा करके। इसे हिंदी में इसे पढ़ सकते हैं कि 5 9 45 का 5 हासिल हुआ 4, 5 3 15 और इसमें का जो हासिल हमारा जो भी मिला हुआ था 4 उसमें जोड़ लेंगे, 15 4 19 हासिल 1, फिर ये 5 1 5 और एक इसमें का हासिल जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल जो है आपके एक्सरसाइज 4.2 में बहुत सारे दिए गए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 40 सवाल जो दिए गए हैं, आप इसमें जो है ये सारा कर सकते हैं। ये बस यहाँ जीरो उतारना है और एक अंक बच रहा है, हर एक सवाल में एक ही अंक जो है, तो आपको बस जैसे इसमें करना होगा तो 3 जीरो उतारना है और 8 का पहाड़ा इसमें जो है 2 बार पढ़ देना है, 9 बार 6 बार हासिल आगे बढ़ा के जोड़ देना है। ये मेरे ख्याल से ये आप लोग जो है 40 तक ईजिली बना लीजिएगा। एक और सवाल इसमें का हम आपको बता रहे हैं, इसमें भी वही काम करना है, सवाल बनाने के लिए उतारना पड़ेगा, उसके बाद छोटी 1 नंबर जो है सवाल देखेंगे, इसमें कह रहा है कि ये फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6706 बैग्स ऑफ ए सीमेंट इन ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6760 बैग्स ऑफ सीमेंट इन 1 वीक, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बैग्स प्रोड्यूस्ड बाई फैक्ट्री इन 76 वीक्स। सवाल कह रहा है कि कोई जो फैक्ट्री है सीमेंट फैक्ट्री है वो जो है एक सप्ताह में 1 वीक में इतना जो है सीमेंट का पॉकेट, सीमेंट का बैग या सीमेंट का बोरिया कहें, इतना जो है एक सप्ताह में प्रोड्यूस करती है, तो 76 वीक्स में यानी कि 76 सप्ताह में जो है कितने जो है बोरिया जो है वो प्रोड्यूस करेगी। तो इसे बनाने के लिए यहाँ आगे हम सोल्यूशन लिखेंगे और हमको करना बस ये है कि लिखना होगा कि यहाँ लिख सकते हैं कि ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 6760
760 बैग्स जो है सीमेंट का ये प्रोड्यूस करती है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे बस समझना ये कि कोई फैक्ट्री है जो एक सप्ताह में, एक वीक में जो है इतना बैग का जो है प्रोडक्शन करती है, तो 76 सप्ताह में जो है कितना करेगी। तो बस हमको करना क्या है कि इसमें जो है जो एक सप्ताह में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो है 76 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। यहाँ पे रफ के लिए हम पहले से जो है गुणा किए हुए थे कि आपका समय बचे, और बस यहाँ पे हम उसको उतार देंगे मल्टीप्लाई इसमें और इसमें जो है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है इतना आएगा और यही हमारा जो है आंसर होगा। और कह सकते हैं कि जो है वो 76 सप्ताह में इतना जो है सीमेंट का बैग या सीमेंट का बोरी जो है प्रोड्यूस करेगी। बस ऐसे ही आगे के सवाल को आप लोग बनाइए, सवाल आप लोग देख सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है और जिनके पास है वो एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे और अपने से जो है सारे सवालों का हल करने का कोशिश करेंगे। और इसके बाद जो है अगले चैप्टर में हम लोग या इसी में अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।